बीजेपी ही नहीं, निकाय चुनाव की तैयारियों में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई। निकाय चुनाव के सियासी मैदान में आरएलडी भी बड़ी रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल प्लान तैयार किया है, जिसके लिए हर दावेदार से बात और मुलाकात के साथ जीत का आंकड़ा बैठाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरे जोर आजमाइश कर रही है। गठबंधन से मिली ताकत से पार्टी निकाय चुनाव के नतीजे बदलना चाहती है, जिसका खास फोकस पश्चिमी यूपी पर है। इसके लिए आरएलडी ने मंडल फार्मूला तैयार किया है। इसके लिए निकाय चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक में समिति के पदाधिकारी मेरठ मंडल की न सिर्फ समीक्षा करने पहुंचे, बल्कि दावेदारों की ताकत भी आंकी। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए यूपी के सभी जिलों से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो गई है। जैसे गुर्जर को चौधरी साहब ने टिकट दिया कतौली का, गुर्जर के साथ जाट मुस्लिम अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिलकर के वो सीट निकली है। इसी प्रकार से नगर पंचायत नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इसके पहले शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। यूपी में एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर महाभारत छिड़ी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं। मुगलों के इतिहास समेत हिंदी की किताब से फिराक, गोरखपुरी की गजल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो और विष्णु खरे की कविता को भी हटाया गया है। विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है, भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सिलेबस के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अब तो बस मोदी की कविता लिखो, मोदी की कविता पढ़ो। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इतिहास पर छिड़े संग्राम को लेकर विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। कहा कि विपक्ष पहले पूरी जानकारी ले, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपाई जाती है, वो हमारी अपनी है, उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही 12वीं किताब के इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषय से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के चयन को लेकर नया आदेश जारी हुआ। शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा। बेसिक माध्यमिक उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन अब एक ही आयोग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न शिक्षण संस्थान में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। सीएम योगी ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नया आयोग ही कराएगा, साथ ही साथ टीईटी की परीक्षा भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। आयोग के सदस्यों में रिटायर्ड सीनियर जज और अनुभवी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वालों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा, जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी तक प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।